तो हेलो फ्रेंड्स, बेसिक कॉन्सेप्ट में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोजेक्शन ऑफ ए सॉलिड। इंजीनियर ड्राइंग के बारे में जो मैं वीडियो बनाया था असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन का जो सीबीटी 2 एग्जाम के लिए, तो जो लोग पहले वाला वीडियो नहीं देखे हो आप देख लीजिए, क्योंकि वो वीडियो आपको देखना पड़ेगा, नहीं तो ये वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड। तो प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड बताने से पहले पता है कि एक्चुअली सॉलिड क्या होता है। तो सॉलिड जो है, देखिए, प्रैक्टिकली थ्री डायमेंशनल जो चीज ऑब्जेक्ट हम लोग देखते हैं वो सारे चीज होता है सॉलिड। जिसका टेक्निकली बताऊं तो जिसका वॉल्यूम रहता है, ठीक है, इसका वॉल्यूम रहता है उसी को हम लोग बताएंगे सॉलिड। इसका वॉल्यूम नहीं रहेगा, ओनली एरिया रहेगा, उसको हम क्या बताए थे, प्लेन बताए थे। प्लेन का कोई वॉल्यूम नहीं होता, लेकिन जो सॉलिड है उसका वॉल्यूम भी रहे, कोई भी चीज उसका वॉल्यूम रहेगा। लेकिन इधर हम लोग जो ड्राइंग करेंगे, ड्राइंग में ओनली देखेंगे जो ज्योमेट्रिकल फिगर है, जैसे कि मान लीजिए स्फेयर हो गया, प्रिज्म हो गया, कोन हो गया, क्यूब हो गया, इस टाइप का फिगर लेके हम लोग डिस्कस करेंगे और मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि कैसे क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन का जो एग्जाम सीबीटी 2 होने वाला है उसमें सॉलिड के बारे में ज्यादा नहीं पूछने वाला है, और सॉलिड जो है बहुत ही टफ है। अगर सेक्शन ऑफ सॉलिड या तो सॉलिड का जो प्रोजेक्शन निकालने के बताते हैं, अगर थोड़ा भी इंक्लाइन कर दिया तो बहुत ही मुश्किल है, उसमें से एमसीक्यू बनना बहुत ही मुश्किल है। वहां से बहुत सारा मतलब बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा ड्रॉइंग करने के लिए, प्रैक्टिकल चीज है तो ड्रॉइंग मिल जाएगा, लेकिन एमसीक्यू मिलना बहुत मुश्किल है। इसलिए ड्रॉइंग ज्यादा टफ नहीं देता है, जो सिमेट्रिकल फिगर है, ज्योमेट्रिकल फिगर है, तो उसी को सिर्फ देता है। तो पहला मैं दिखाऊंगा सबसे जो इजीएस्ट जो सॉलिड है वो होता है स्फेयर। ठीक है, मान लीजिए कोई बॉल है, फुटबॉल हो या क्रिकेट बॉल हो, कोई बॉल, ठीक है, जो स्फेयर होता है ये पूरा, तो ये स्फेयर इतना इजी है। इसका टॉप व्यू देखोगे तो भी सर्कल दिखेगा, फ्रंट व्यू देखोगे तो भी सर्कल दिखेगा, और इसका साइड व्यू, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, बॉटम व्यू, कोई भी साइड से आप इसको देखें, कोई भी एंगल से देखेंगे तो ये आपको सर्कल ही दिखाई देगा। ठीक है, तो इसको मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूं कैसे। देखिए, स्फीयर है तो इसका अगर फ्रंट व्यू आप देखेंगे तो फ्रंट व्यू आपको ऐसा देखने के लिए मिलेगा। अगर ये मान लीजिए कि वीपी में चिपका हुआ ऐसा है, इसका अगर टॉप व्यू देखेंगे, टॉप व्यू भी आपको ऐसा दिखाई देगा। और आप अगर इसको आप बताएंगे कि साइड व्यू से देखेंगे, साइड व्यू देखेंगे तो यहां पे इसका आएगा, इसका फिगर तो यहां पे ऐसा आएगा। तो किसी भी एंगल से देखेंगे तो स्फीयर हमेशा सर्कल ही आएगा। तो स्फीयर से ज्यादा क्वेश्चन आने का चांस है, क्योंकि स्फीयर बहुत इजी है, और फिर अगर रेडियस वेडियस दे दिएगा, ठीक है, डायमीटर या तो रेडियस दे देगा, वहां से आपको निकालना है, और फ्रंट बैक बता देगा ऐसा निकालना। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दूसरा फिगर लेके। तो नेक्स्ट कोन, ये जो दिख रहा है, देखिए कोन सर्कुलर कोन है, सर्कुलर कोन मतलब इसका जो बेस है ये सर्कल है, तो इसका फिगर ऐसा दिखा सकता है कि मान लीजिए ये कोन है, कोन एचपी में है, मतलब एचपी में है, और एचपी से मतलब वीपी से मान लीजिए कि 20 एमएम दूरी में है, तो इसका टॉप व्यू और फ्रंट व्यू कैसे ड्रॉ करना है। देखिए, अगर इसका फ्रंट व्यू ड्रॉ करना है, मतलब एचपी में है, अगर ऐसा एचपी में बैठा हुआ है, तो इसका फ्रंट व्यू जो होगा सिर्फ यहीं से हो जाएगा, मतलब एचपी का ऊपर से हो जाएगा, एक ट्राइंगल आएगा। और टॉप व्यू अगर इसका देखना है, टॉप व्यू देखना है, मतलब मान लीजिए कि ये 20 mm वर्टिकल प्लेन है, वीपी है, वीपी से 20 mm फ्रंट में है, तो यहां पे 20 mm दूर में जो फिगर बनेगा ये मान लीजिए 20 mm, तो यहां पे एक सर्कल बनेगा, क्योंकि इसका बेस सर्कल है तो सर्कल बनेगा। तो ये हुआ फ्रंट व्यू, ये हो गया टॉप व्यू, और इसका साइड व्यू भी आप देखेंगे, साइड व्यू इधर आएगा। देखिए, साइड व्यू भी अगर आपको देखना है तो इसका साइड व्यू भी देखिए, यहां पे अगर करेंगे तो भी एक ट्रायंगल ही आएगा। ठीक, ये बहुत इजी है,
नेक्स्ट और एक फिगर लेके मैं दिखाता हूं। तो मान लीजिए ऐसा एक फिगर है, ज्योमेट्रिकल फिगर है, थ्री डायमेंशनल। तो यहाँ पे खाली मैं रखा हूं, लेकिन यहाँ पे मान लीजिए कि ढका हुआ है, ठीक है। तो ये फिगर का नाम क्या है? ये फिगर का नाम एक्चुअल है प्रिज्म है, ठीक है, स्क्वायर प्रिज्म। स्क्वायर प्रिज्म इसका जो बेस है तो ये स्क्वायर है, तो इसको इसलिए बताते हैं स्क्वायर प्रिज्म। तो इसका स्थिति जो है ऐसा हो सकता है, अगर ऐसा होगा इसका स्थिति तो इसका जो फ्रंट व्यू बनेगा एक स्क्वायर बनेगा यहां पे, और ये एचपी से जितना ऊपर है एक स्क्वायर प्लेन से उतना ऊपर ही बनेगा। और इसका टॉप व्यू देखेंगे तो ऐसा है, तो टॉप व्यू अगर देखेंगे तो ऐसा आएगा, और ये वीपी से जितना दूर में है ये नीचे का फिगर उतना दूर में बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया जो है फ्रंट व्यू, ये हो गया टॉप व्यू। तो बहुत ही इजी है, और ऐसा है तो इसका अगर साइड व्यू देखेंगे, ये इधर मान लीजिए साइड व्यू है, इधर मान लीजिए साइड व्यू भी सेम बनेगा, साइड व्यू भी सेम बनेगा, रेक्टेंगल बन जाएगा। ठीक है, ऐसा है। और टेक्निकली इसको ड्रॉ करेंगे तो यहां पे कॉम्पास बैठा के यहां से आगे एंगल छुपेगा, फिर ये एंगल इधर आएगा, ऐसे आके इसके इसको ड्रॉ करना है। ओके, तो ट्रायंगल पिरामिड भी ऐसा है, तो ट्रायंगल पिरामिड मैं करके दिखा रहा हूं यहां पे। तो ऐसा होगा, देखिए ये होगा ट्रायंगल पिरामिड जिसका बेस है ट्रायंगल। तो ऐसा भी, ये भी सिमिलर ऐसा रहेगा तो ऐसा बनेगा, यहां पर रहेगा तो ऐसा बनेगा, और नीचे का रहेगा तो ऐसा बनेगा। तो ये है, ये बहुत ही इजी है। और मान लीजिए कि पेंटागोनल पिरामिड भी होता है ऐसा, पेंटागोनल पिरामिड भी होता है। पेंटागोनल पिरामिड होगा तो यहां पे जो है पेंटागोन आएगा फ्रंट व्यू में, नीचे का हिस्सा देखोगे तो भी पेंटागोन आएगा, ऐसा फिगर बनेगा। तो ये बहुत ही इजी है, अगर पैरेलल बता दिया या परपेंडिकुलर बता दिया, तो अगर इसको क्या करना है थोड़ा बहुत एंगल कर दिया, ऐसा बता दिया कि एचपी के साथ थोड़ा एंगल में है, वीपी के साथ थोड़ा एंगल में है, तो एंगल जो बता देता है, एंगल है मतलब सेंटर लाइन ही है, इसका सेंटर लाइन होगा, ठीक है, सेंटर लाइन होगा, तो ओनली सेंटर लाइन ही एंगल करेगा। मान लीजिए इसका सेंटर लाइन बता दिया कि 90 डिग्री नहीं बताएगा, 45 डिग्री एंगल में है, तो 45 डिग्री उस हिसाब से आपको फ्री हैंड आप ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, कॉम्पास पेंसिल का जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा, और टी स्क्वायर का भी जरूरत पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से एग्जाम में उतना टाफ तो नहीं देगा, लेकिन ये सब फिगर देगा, लेकिन परपेंडिकुलर देगा या तो पैरेलल दे देगा, ड्रॉ लाइन नहीं देगा। ठीक है, और एक फिगर लेके मैं दिखा देता हूं। तो देखिए ये जो फिगर दिख रहा है ये हो गया पिरामिड, और कौन सा टाइप का पिरामिड है? स्क्वायर पिरामिड, क्योंकि इसका बेस जो है स्क्वायर है। ओके, और इतना इसका देखिए, इसका टॉप व्यू फ्रंट व्यू साइड व्यू मैं ड्रॉ करता हूं। तो मान लीजिए ऐसा है, ये ऐसा नहीं, मैं उठा देता हूं, ऐसा है मान लीजिए कि ऐसा एचपी में मतलब वीपी में है, ये बैठा हुआ है, और इसका जो एक्सिस है वो एचपी के साथ पैरेलल है और वीपी के साथ परपेंडिकुलर है। तो इसका जो फ्रंट व्यू बनेगा, फ्रंट व्यू क्या बनेगा, यहां पे स्क्वायर एक बनेगा और स्क्वायर के बीच में एक एंगल रहेगा, और क्या बनेगा इसका देखिए, अच्छे से देखिए क्या बनेगा, ये जो है ठीक है साइड का जो है ये भी बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा, ऐसा रहेगा। ठीक है, इसका टॉप मतलब फ्रंट व्यू, इसका टॉप व्यू क्या बनेगा देखिए, टॉप व्यू ऐसा बनेगा, टॉप व्यू क्या बनेगा ऐसा, ऊपर से आप देखेंगे तो एक ट्रायंगल बनेगा, तो ये ठीक बनेगा, लेकिन ये थीन बनेगा अंदर का जो है। तो ये हो गया देखिए, ये हो गया आपका टॉप व्यू और ये हो गया आपका फ्रंट व्यू। ठीक है, बहुत इजी है। तो ये फिर साइड में देखोगे तो यही फिगर बनेगा, इसी फिगर के साइड में बनेगा, और यहां पे कॉम्पास लाके ऐसे घूम के आएगा, यहां पे ये घूम के आएगा यहां पे, तो यहां पे ट्रायंगल बनेगा, ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा। तो ये हो गया साइड व्यू। तो ऐसा प्रोजेक्शन आप ड्रॉ कर सकते हो कोई भी मतलब थ्री डायमेंशनल चीज को लेके।
तो ये जो है मान लीजिए कि स्क्वायर ना रख के यहाँ पे ट्रायंगल भी कर सकता है, ट्रायंगल पिरामिड में हो सकता है, या तो पेंटागोनल पिरामिड में हो सकता है। देखिए पेंटागोनल पिरामिड ऐसा होगा, अंदर जो है ये पेंटागन होगा और पिरामिड इस तरीके से होगा। तो उसका और फिगर और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनेगा, लेकिन बहुत ही आसान है ये। अगर इसका जो एक्सिस है, ठीक है, एक्सिस लाइन मतलब अंदर का जो एक्सिस लाइन है, ये पॉइंट से लेके इसका बीच में जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा वहां से वो उसको बोलते हैं एक्सिस पॉइंट। तो एक्सिस पॉइंट के साथ अगर कोई एंगल दे दिए तो वो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, और मेरे हिसाब से एंगल शायद नहीं देगा, क्योंकि सेमिस्टर के एग्जाम में आता है एंगल वगैरह, लेकिन इसमें ओनली एमसीक्यू है, एमसीक्यू से एंगल आने का चांस बहुत ही कम है। ऐसा बताना पॉसिबल नहीं है, मतलब बिना अरेंजमेंट लेके, मतलब अगर ऐसा करना है तो बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, 20 मार्क 10 मार्क का एक क्वेश्चन हो जाएगा अगर इंक्लाइन लेके प्रोजेक्शन बनाना हो तो। ठीक है, तो आप देखेंगे एक एग्जांपल पार्ट का बुक में देख लेते हैं कि कैसे ड्रॉ करना पड़ता है। एंडीवर्ट का बुक से एक एक्सरसाइज में करा रहा हूं, जो दिया है प्रॉब्लम नंबर 13.8, ओके 278 पेज नंबर। तो उसमें दिया हुआ देखिए स्क्वायर पिरामिड है जिसका बेस है 40 mm साइड। स्क्वायर पिरामिड और एक बेस कितना है, बेस साइड 40 mm, और क्या बता दें यहां पे एक्सिस 65 mm लॉन्ग, 65 mm लॉन्ग, हैज इट्स बेस इन वीपी, बेस इन वीपी, वन एज ऑफ द बेस इज इंक्लाइन 30 degrees टू एचपी, वन एज ऑफ बेस इंक्लाइन 30 degrees ऑफ एचपी एंड ए कॉर्नर कॉन्टेंट वाई दैट इज ऑन द एचपी। तो एक कॉर्नर बता दिया जो कॉन्टेंट है उसी एज पे है 30 degrees पे, ठीक है, ऐसा बता दिया है। तो इसी में इसको हम लोग पोजिशन ड्रॉ करते हैं, देखिए कैसा होगा। तो इस ये समझना बहुत, क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन समझ में आ गया तो मतलब मान लीजिए कि आपका प्रॉब्लम जो 50% कंप्लीट हो गया, उसके बाद आपको सिर्फ करना है। ओके, तो पहले क्या काम रहेगा, आपको रेफरेंस प्लेन ले लेना है एक्स वाई, और ये बता दिया है स्क्वायर पिरामिड है, इसका एक बेस 40 है और बेस इन वीपी वन इज 30 degrees ऑफ एचपी। तो मैं भी प्रैक्टिकली दिखा देता हूं कैसा कैसा है। तो देखिए ये हमारा वीपी एचपी हो गया, ठीक है, और उसके ऊपर एक स्क्वायर पिरामिड रखा हुआ है, मतलब बेस जिसका पिरामिड 40 mm का है। ओके, तो आप ये क्या बता रहा है कि एक्सिस 65 मतलब नीचे से लेके इसका जो डिस्टेंस है ठीक ठीक 65 है। आप बता रहा है कि बेस इन वीपी, ये मान लीजिए कि वीपी है, वीपी के ऊपर बेस है, ठीक है, ऐसा है बेस, वीपी के ऊपर बेस है, तो ये वीपी हो गया हम लोग, वीपी के ऊपर बेस है, और ये बोला कि वन इज 30 degrees ऑफ एचपी। तो ये एचपी का हो गया इंटरसेक्शन लाइन, इंटरसेक्शन लाइन से ये मान लीजिए कि 30 degrees, ये देखिए समझ में आ रहा है ना, यहां पे ये जो एज है, दो एज देखिए यहां पे लगा हुआ है, तो यहां पे जो ये वाला एंगल है ये बोला कि ये 30 degrees है, बस ये पे यही बता रहा है। तो और इसका फिगर ऐसा है, मतलब बेस इन वीपी, वीपी में बेस है, तो इसका प्रोजेक्शन निकालना है, ठीक है। तो ये समझ में आएगा ना, ये का समझ में आएगा तो प्रॉब्लम आसानी से कर पाओगे आप, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो आप क्या करना है, देखिए यहां पे ऐसा है, इधर उठा हुआ है, मतलब ये जो है देखिए ऐसा है, इसका जो एंगल है थर्टी डिग्री है एचपी के साथ, ठीक है 30 degrees है, अब ये जो एंगल है 30 degrees होगा। तो पहले हम लोगों को 30 degrees एंगल ड्रॉ करना है। यहां पे एक कोई भी रैंडम पॉइंट ले लीजिए, रैंडम पॉइंट लेने के बाद आपको क्या करना है, यहां पे प्रोटेक्टर लेके यहां पे 30 degrees ड्रॉ कर लेना है यहां पे। तो ये हो गया हम लोगों का 30 degrees। अब इसको क्या करना है,
डिवाइडर से या तो कॉम्पास से आपको यहां पे लाइन साइड में डाल लीजिएगा 40 mm, तो यहां पे माप लेके यहां से आप लेके यहां पे काट सकते हो। तो ये हमारा 40 mm हो गया, तो इसको ठीक कर दीजिए कॉन्टिन्यूस ठीक। अब इसको क्या करना, देखिए यहां पे फिर 90 डिग्री जो बेस है, स्क्वायर बेस है, उसका हर एंगल कितना 90 डिग्री आएगा, मतलब बेस जो स्क्वायर, तो यहां पे 90 डिग्री आप ले लेंगे, यहां पे 90 लेके 40 से लेके यहां पे काट लेंगे 40 mm, ये भी ठीक होगा कॉन्टिन्यूस ठीक। उसके बाद फिर 90 डिग्री एंगल ले लेंगे, फिर 90 डिग्री एंगल ले लेंगे, तो ये हमारा बेस बन गया, तो ये 30 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, तो ये कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा, ठीक है। आप ये मेरा टॉप व्यू बन गया, सॉरी फ्रंट व्यू बन गया, मतलब ऐसा रख रखा था इसलिए फ्रंट व्यू बन गया। और फ्रंट व्यू और एक चीज क्या है, यहां पे एक सेंटर बनेगा, तो यहां पे देखिए ये दोनों जोड़ देंगे तो यहां पे एक सेंटर बन जाएगा, तो ये मेरा क्या होगा, फ्रंट व्यू बन गया। अब इसका क्या होगा, ऐसा है मतलब ये टॉप व्यू बनाना है, इसका टॉप व्यू बनाना है, तो यहां पे क्या बोला है, 1 is 38 HP और x is 65 बता दिया है। तो यहां पे आप पैरेलली ड्रॉ, मतलब परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए, ये सारे डॉटेड नहीं होगा, ये कॉन्टिन्यूअस थिन होगा सारा लाइन, कॉन्टिन्यूअस थिन, तो सारा लाइन कॉन्टिन्यूअस थिन होगा, मतलब ऐसा यहां पे ऐसा है, मतलब यहां पे तो क्या दिखेगा आपको, यहां पे ऊपर से, ऊपर से क्या दिखेगा आपको, ऊपर से एक मतलब ऐसा दिखेगा, क्या दिखेगा, ट्रायंगल दिखेगा, तो यहां पे ऐसा तो दिखेगा। उसके बाद ये जो पॉइंट है ये टोटल एक चित्र कहां जाएगा, यहां तक सेंटर में जाएगा, तो सेंटर में इसका कितना हो रहा है, ये सेंटर जाएगा, सेंटर आएगा, तो यहां से मान लीजिए सेंटर तक 65 mm रखना है, यहां पे 65 mm रख के यहां पे सीधा आपको जोड़ देना है, तो यहां पे कॉन्टिन्यूस स्टिक बनेगा। तो ये हो गया, ये जो है ट्राइंगल, ये हो गया आपका टॉप व्यू, और यहां से जोड़ देना, सारे पॉइंट से जोड़ देना है, और यहां पे जोड़ दिए, यहां पे जोड़ दीजिए, और ये यहां से भी जोड़ दीजिए, तो ये हो गया, ठीक है। तो मैं ऊपर से ओवरलैप कर दिया हूं, तो इसीलिए थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन ऐसा कौन बनेगा, तो इसका जो फिगर है प्रोजेक्शन, चलिए इतना ही। और प्रोजेक्शन में बारे में और वीडियो नहीं बनाना है, क्योंकि प्रोजेक्शन में बहुत, मैं 5 वीडियो ले चुका हूं प्रोजेक्शन का, 5 क्लास ले चुका हूं, मैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरा टॉपिक लेकर डिस्कस करेंगे। और मुझे नहीं लगता इंजीनियर ड्रॉइंग से CBT 1 में जो, CBT 2 में जो क्वेश्चन पूछने वाला है 20 से ज्यादा मार्क नहीं पूछने वाला है, तो इसलिए इसमें ज्यादा ट्रेस नहीं देना है, बस फंडामेंटल पढ़ लेना है मेरा, 4-5 वीडियो आप देख लीजिए, उसके बाद मैं MCQ भी पढ़ाऊंगा, MCQ देख लीजिए, तो सारा आपको कंप्लीट हो जाएगा। और मैं जो स्टडी मटेरियल जिन लोगों को दिया हूँ, स्टडी मटेरियल अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं छांट के दिया हूं, तो आपको सारे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए धन्यवाद, और नेक्स्ट वीडियो आपको देखना है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, तब तक के लिए चलिए बाय बाय।